हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 मैथ्स का यूनिट नंबर 8 मेजरमेंट का नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। सो 8.1 में हमने मेजरमेंट क्या होता है ये सीखा था। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए, सो लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से यूनिट होते हैं, देखिए सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो अगर आपको बहुत ही छोटी चीज़ें नापनी हो तो आप सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, जो कि आपके स्केल में होता है। जो स्केल आप अपने पेंसिल बॉक्स में कैरी करते हो ना स्कूल, तो वो छोटा वाला स्केल है जिसमें 15 सेंटीमीटर तक की मार्किंग होती है। तो अगर बहुत छोटी से छोटी चीज़ें आपको नापनी हो तो आप सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। और फिर मीटर मतलब बड़ी चीज़ें मेजर करने के लिए। तो मीटर जो है आपके स्केल में नहीं होता, उसके लिए मेजरिंग टेप आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका मतलब भी समझते हैं। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अभी हमने पढ़ा था कि सेंटीमीटर क्या होता है ना, तो सेंटीमीटर ना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सेंटीमीटर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अगर 100 सेंटीमीटर मिल जाए तब आपका बन जाएगा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर से बनता है 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर किलोमीटर, और किलोमीटर मीटर से भी बड़ा होता है फिर। और जब ऐसे 1000 मीटर्स मिल जाए, तो 1 मीटर का हमने अभी देखा 100 सेंटीमीटर, अब ऐसे 1000 मीटर्स अगर मिल जाए तब वो बन जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर मतलब आप किसी डिस्टेंस को नाप सकते हैं, आपके घर से आपके स्कूल तक कितना लंबाई है वो किलोमीटर्स में हम बताएंगे। जो है एक जगह से दूसरे जगह का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा होता है, तो वो सब चीज़ें हम फिर किलोमीटर्स में नापते हैं। तो छोटी चीज़ के लिए सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर, सबसे बड़ा किलोमीटर, ठीक है। ये है 3 चीज़ें जो हमें यहाँ पे समझनी है। अब देखिए सेंटीमीटर से भी छोटा होता है मिलीमीटर, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये हम बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, जनरली हम सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ही यूज़ करते हैं, पर मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर से भी छोटा। तो उसका हिसाब कैसे लगाते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि ये जो 0 पॉइंट है इससे 1 तक आपका 1 सेंटीमीटर बना, यहाँ से लेकर यहां तक 0 to 1 1 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तब जाकर वो 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। तो ये है कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब हम देखते हैं कन्वर्शन, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अगर आपको देंगे 2 मीटर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 200 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बहुत ही ईजी है, जितना आपको मीटर का पता लगाना है उतना आपको सेंटीमीटर का भी पता लगाना है कि ये कितना सेंटीमीटर फिर बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्शन। ऐसे आपको मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, या किलोमीटर से मीटर। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें सीखनी है, एक है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हम इसका कन्वर्शन देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर इज इक्वल टू 1400 सेंटीमीटर, है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, उतना 100 बन गया वो। अब देखिए नेक्स्ट, और अगर वो 20 मीटर होता तो 20 के साथ 2 जीरोस 100 वाले, ठीक है, और वो 2000 सेंटीमीटर बन जाता। तो बस आपको जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और उसी तरीके से अगर किलोमीटर है, ठीक है, तो आप सोचेंगे सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपको पता है। सो 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8000 मीटर, और अगर 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर, 21 किलोमीटर इज इक्वल टू 21000 मीटर। तो जितना भी किलोमीटर पूछेंगे उतने से आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर बना लेंगे। ऐसे हम करते हैं कन्वर्शन। ये था आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि स्मॉलर यूनिट, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, उसको अगर मीटर में करना हो, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है ना, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे डिवाइड, यानी उसका उल्टा। पहले आपने
मल्टीप्लाई किया था जब सेंटीमीटर में करना था, है ना। अब मीटर में करना है तो आपको डिवाइड कर देना, मतलब जो जीरोस आपने मल्टीप्लाई करे थे वही जीरोस आपको हटा देने हैं इसमें से और लिख देना है, मतलब आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे इसका उल्टा। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे है आपका एक्सरसाइज 8.2, इसको फिल करना है। 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, अभी हमने पढ़ा था 10, है ना। 10 मिलीमीटर के जुड़ने से 1 सेंटीमीटर बनता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको याद ही रखनी है, ठीक है, तभी आप ये सब कर पाएंगे। अब देखिए, डैश इज अ यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के बीच का अगर दूरी नापना हो तो आप किस में नापेंगे। तो देखिए, सोचिए, मिलीमीटर बहुत छोटा है, सेंटीमीटर भी छोटा है, उससे भी बड़ा है मीटर, पर वो भी काफ़ी नहीं है, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। तो ज़्यादा दूरी, बड़ी बड़ी लंबाई को नापने के लिए आपको किलोमीटर का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे किलोमीटर। और वेरी स्मॉल थिंग्स, बहुत ही छोटी चीज को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे मिलीमीटर। सबसे छोटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है मिलीमीटर, जो अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले आता है मिलीमीटर, उसके बाद फिर सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। तो ये याद आपको रखना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे जो सारे मीटर मीटर दिए हैं ना, वो सब कुछ सेंटीमीटर में हो जाना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले है 5 मीटर। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर आपको पता है इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। सो 5 मीटर कितना होता होगा, 500 सेंटीमीटर। बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर होगा 500 सेंटीमीटर। तो जहां पर भी आपको मीटर दिख रहा है ना, उन सबको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 मीटर और 16 सेंटीमीटर। तो 16 तो पहले से सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है 5 मीटर को बदलना है। 5 मीटर बन जाएगा 500 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ये, है ना। सो 5 मीटर बन जाएगा 500 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी जो 16 दिया है वो भी इसके साथ ऐड करेंगे, तो कितना बन गया आपका 516 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका टोटल, मतलब प्लस इसलिए हमने किया क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 5 मीटर है वो अलग से दिया था, है ना। तो पहले हमने 5 मीटर को भी सेंटीमीटर में किया, और 16 तो पहले से सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि अब दोनों सेंटीमीटर में है, और आपका आंसर होगा 516 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसी तरीके से, नेक्स्ट देखिए 19 मीटर। तो यहाँ पे 19 मीटर में है और 86 सेंटीमीटर में है, तो 86 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, सिर्फ आप 19 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई, तो 1900 सेंटीमीटर, है ना। 19 मीटर बन जाएगा 1900 सेंटीमीटर। तो बस अभी टोटल कितने सेंटीमीटर्स हो गए, इन दोनों को करेंगे प्लस, तो ये होगा आपका टोटल कि इतने सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो उसको आपने इसके साथ फिर प्लस कर दिया, मतलब टोटल आपके पास इतने सेंटीमीटर्स हैं। तो इसी तरीके से अगला भी करेंगे, 35 बन जाएगा 3500, ठीक है, क्योंकि उसको सेंटीमीटर में कर दिया, और ये 40 जो पहले से दिया हुआ है, तो कितने सेंटीमीटर्स हैं आपके पास, 3540 यानी 3540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे आपने ये करना है कन्वर्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स, यहाँ पे सबको मीटर्स में करना है। तो 5 किलोमीटर, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ये आपको पता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर बन जाएगा 5000 मीटर। तो वही आपको कर देना है, वहाँ पे आपने 100
से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे आपको 1000 लगा देना होगा उस नंबर के पीछे, है ना। तो 5 किलोमीटर बन जाएगा 5000 मीटर। अब उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, 3 किलोमीटर्स और 180 मीटर। अब यहाँ पे जो मीटर में दिया है 180, उसको आपको टच ही नहीं करना है क्योंकि वो पहले से मीटर में है। सिर्फ जो 3 किलोमीटर है उसको मीटर में करना है। सो 3 किलोमीटर बन जाएगा 3000 मीटर, है ना। तो अब आपके पास टोटल कितने मीटर्स हो गए, आपके पास हो गए 3180, क्योंकि हम इन दोनों को अब ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों मीटर्स में है अभी, है ना। तो 3180 मीटर्स है आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 किलोमीटर 86 मीटर। तो ये जो 2 किलोमीटर है वो बन जाएगा 2000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर, ठीक है। तो 2000 मीटर उसके साथ ये 86 मीटर पहले से है, तो वो आप ऐड कर देंगे, आंसर होगा 2086 मीटर। तरीके से आगे भी करते चले जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर में भी नहीं दिया, किलोमीटर में भी नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया है। तो ये आप कैसे करेंगे, तो देख, सो किलोमीटर को तो अभी हमने कन्वर्ट कर लिया, अब बताइए सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाते कैसे हैं, तो अभी हमने सीखा था कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे दिया है 500 सेंटीमीटर, तो ये कितना मीटर हुआ होगा, तो ये हुआ होगा 5 मीटर, है ना। 5 मीटर होता है ना 500 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 5 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में हमें इसे करना था। अब यहाँ पे अगेन वही दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो 1800 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, मतलब है 18 मीटर, है ना, क्योंकि जब 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में करते हैं तभी हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमने इसका उल्टा किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों भी कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो अब आपको इसको तोड़ के अलग अलग रखना है, जैसे ये एक एग्जांपल है, उसमें मीटर भी होना चाहिए और उसमें सेंटीमीटर भी होना चाहिए, यानी उसको अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे टोटल दिया है, मतलब ये जो दो क्वेश्चंस है ना, इसका उल्टा है आगे के दो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे ही करते चले जाएंगे। सो देखिए, पहले आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन देखिए 860 सेंटीमीटर है, तो 860 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं, डैश मीटर और डैश सेंटीमीटर। अब ये डैश डैश को आपको फिल करना है। तो देखिए, जब 860 आपका क्वेश्चन है, इसका मतलब इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, उतना मीटर होगा। तो 100 प्लेस में क्या है, 8 है, यानी 800s हैं इस 860 में, तो 8 मीटर हुआ इसमें, और जो बच जाता है 60, उतना सेंटीमीटर हुआ, तो 60 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है, 8 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो उसको आपको बस अलग अलग करके लिख देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं एक और, 1290 सेंटीमीटर। तो अब इसमें पता लगाना है कि इसमें कितने मीटर हैं, कितने सेंटीमीटर हैं, तो कितने हंड्रेड्स होंगे ना, उतने मीटर होंगे। तो यहाँ पे हंड्रेड्स कितने हैं, 12, है ना, 1200 है, उसके बाद 90 सेंटीमीटर भी है, है ना। तो यहाँ पे 12 मीटर है और 90 सेंटीमीटर है, क्योंकि हंड्रेड्स इसमें 12 है, है ना। ये जो दो प्लेस है ना, ये आप यहाँ सेंटीमीटर में लिख देंगे क्योंकि इतना ही सेंटीमीटर है, और हंड्रेड्स कितने बन रहे हैं, 12 14 21 48, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो हंड्रेड्स में है, 1000 डिजिट और 100 डिजिट्स, मतलब उतने हंड्रेड्स हैं उसमें, तो वो आप यहाँ पे मीटर में लिख देंगे। तो ऐसे आपको ये सारा करना है। इस क्वेश्चन में आएगा कि 30 यहाँ पे मीटर है और बाकी 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए 70 मीटर है और 65 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आपको अलग अलग करके लिख देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में बदलना है, बहुत ही इजी है। 1 किलोमीटर आपको पता है कि 1000 मीटर होता है, है ना, 1000 मीटर होता है, तो 3000 मीटर, तो अगर 3000 मीटर बना होगा तो यहाँ पर कितने किलोमीटर्स होंगे, 3 किलोमीटर्स, है ना। जितने जीरोस हैं
बस ये नंबर ही तो चेंज होगा, बाकी थाउजेंड्स तो सेम है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर्स है ना, 5 किलोमीटर्स तभी जाकर वो 5000 मीटर बना होगा। अब 1900 मीटर मतलब 19 किलोमीटर्स, ठीक है, 22 मीटर मतलब 22 किलोमीटर्स, बस उल्टा आपको कर देना है और ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट सिक्स, नंबर सिक्स, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर। अब दोबारा वही करना है कि कितना किलोमीटर है और कितना मीटर है, डैश किलोमीटर्स एंड डैश मीटर्स। अब इसमें नंबर है आपका 5859, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है 5859 मीटर। तो अब किलोमीटर के लिए थाउजेंड्स चाहिए, जैसे मीटर में हमें 100 सेंटीमीटर्स चाहिए थे, उसके तरह अगर किलोमीटर्स में पूछना है तो आपको थाउजेंड्स चाहिए। तो अब इस नंबर में आपको पता लगाना है कि कितने थाउजेंड्स हैं, थाउजेंड प्लेस में क्या है, 5 है ना, तो 5000 है इसमें, तो 5 किलोमीटर्स है मतलब, क्योंकि 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर्स, तो 5 किलोमीटर्स है और बाकी का जो बचा है 859 वो यहाँ पर मीटर्स हैं। तो ऐसे आपको इसे तोड़ के लिख देना है कि इसमें 5 किलोमीटर है और 859 मीटर्स है। चलिए अभी एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका 9100 मीटर, 9100, इसमें कितने थाउजेंड्स हैं, थाउजेंड प्लेस में क्या है, 9 है ना, तो इसमें 9 किलोमीटर्स हैं और जो बच गए 100 उतने मीटर्स हैं, तब जाकर आपका बना 9100, ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर है 1030, ठीक है, इसमें कितने किलोमीटर्स कितने मीटर। अब देखिए यहाँ पे तो एक ही थाउजेंड है, थाउजेंड में क्या है, 1, तो 1 किलोमीटर और जो बच गया 0 आगे आता है तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो 30 मीटर 030 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 030 कुछ नहीं होता है ना, आगे 0 आएगा तो उसका मतलब है कि कुछ नहीं है, तो 30 मीटर, तो 1 किलोमीटर 30 मीटर है इस नंबर को जो हम जब बांटेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 7003 मीटर, तो इसमें कितने किलोमीटर्स हैं, यानी 1000, थाउजेंड प्लेस को देखना है, किलोमीटर पूछे तो 1000 याद रखिए, सो क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो इसमें 7 किलोमीटर्स हैं और 3 मीटर हैं, क्योंकि 00 आगे आएगा मतलब कुछ नहीं है, है ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 7 किलोमीटर और 3 मीटर है इस नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है मीटर किलोमीटर को अलग करके लिखना है, इसी तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्शन, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 8.2। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।